फैक्ट्स, ठीक है ना, प्लांट ब्रीडिंग के फैक्ट्स को मेंडल ने लिया। एंड देन फर्स्ट इज अ सिलेक्शन ऑफ, मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ टू ब्रीडिंग वैरायटी है ना बेटा, टू ब्रीडिंग वैरायटी पेरेंट्स, ये ठीक है ना। हाँ बेटा, तो इस तरीके से सिलेक्शन ऑफ ऑफ द पेरेंट्स एंड दे आर होमोजाइगस। होमोजाइगस का सेंस क्या है, होमोजाइगस का क्या मतलब हो गया कि दे आर लुकिंग सिमिलर फिनोटाइप, ओके, दे प्रोड्यूस अ सिमिलर फिनोटाइप, ये सेम है, जस्ट लाइक देखिए ऐसे, ये देखो मैं आपको बता दे रहा है, माने एक तो ये है कि इनका फिनोटाइपिक कैरेक्टर सेम होगा, है ना, मींस हम इसको लिख सकते हैं दे आर सिमिलर इन फिनोटाइप, राइट, बोलो भाई क्लियर, ये चीज हो गई, दे आर सिमिलर इन द फिनोटाइप एंड द जीन्स आर लोकेटेड एट द सेम लोकेशन, है ना, सेम लोकाई, सेम लोकस पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, यस, genes are located at same locus पर, जैसे देख लीजिए ये एक locus हो गया इसका, क्या एक locus हो गया, ठीक है ना, माने same locus हो गया, देखिए एकदम, माने अगर एक ही यहाँ प्रोजेक्ट है तो इस मार्ग में ही यहाँ प्रोजेक्ट है, राइट, और यह दोनों सिमिलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप समझते आई कलर ना बेटा, तो आई कलर क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, आई कलर क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, आई कलर इज कैरेक्टर, ठीक है ना, इसके लिए दो डिफरेंट जीन्स, सॉरी डिफरेंट जीन नहीं, सिंगल जीन, सेम जीन, डिफरेंट नहीं जीन, जीन तो वही है, जीन वही है, यह ध्यान रखिएगा, यानी एक ही जीन इसको कोड करेगा, ओनली वन जीन, यस, सिंगल जीन इज कोडेड टू द कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर को कोड करने के लिए स्पेशल पर्टिकुलर एक ही जीन है, ठीक है ना, समझ रहे ना, यानी आई कलर को कोड करने वाला एक जीन है, ठीक, जिसके दो एलील्स हैं, क्या है, एलील्स है, बस हमको यही समझना है यहाँ पर, इसके माने क्या, जो एलील्स है, जीन और एलील में क्या डिफरेंस है, दोनों ही एक जीन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा क्या, कि बस केवल यही है कि जीन का जो मॉडिफिकेशन था वो एलील है, ये भी है, ठीक है ना, जी सर, क्या कांसेप्ट है इसके पीछे, देख लीजिए, जैसे आप ये समझ लीजिए कि मान लिया कोई ऐसा जीन ए है, कैपिटल ए जीन है, समझना बेटा, ध्यान देना, एक ही लोकेशन पर है, ठीक है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम है, लोकस सेम है, इस होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकस पर वह जीन प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो कह रहा है एक जीन जो ए है वो आई कलर को रिप्रेजेंट करता है क्या, सपोज मान लिया कि जो कैपिटल ए है ये ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको भाई, ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ब्लैक कलर वाले जीन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ और जो है ब्राउन कलर का हो गया, तो ब्राउन कलर के जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये जो एलील लिया है इस्तेमाल किया, तो बस केवल इतनी सी बात है, दे प्रोड्यूस द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दे आर यूज्ड, मींस एलील्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यहां से हम इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं, इस तरह कांसेप्ट को लेकर के हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं एलील की, क्या कि एलील्स आर यूज्ड टू रिप्रोड्यूस, टू एक्सप्रेस द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, बेटा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इतना तो सब लोग जानते ही होंगे लेकिन ये कांसेप्ट नहीं जानते होंगे, इस नाते हमने इसको डिस्क्लोज कर दिया, क्या कह रहा है कि टू एक्सप्रेस द
यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम एक्सप्रेस करने के लिए एलियंस का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, समझ में आ गया बेटा? जैसे जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल देख लो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है दोनों? एलियंस है, ये भी एलियन है और यह भी एलियन है। बोलो बच्ची, समझ में आ रहा है ना? जी सर। दोनों ही एलियंस हैं और किसी एक ही करेक्टर को कोड करते हैं। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ आर एलियंस एंड दे आर कोडेड फॉर सेम करेक्टर, सेम करेक्टर, एक करेक्टर के लिए। किस करेक्टर के लिए? हाइट के लिए। जो करेक्टर है वो क्या है? हाइट। यानी हाइट को कोड करते हैं दोनों, लेकिन जो कैपिटल टी है हम उसको कहते हैं वो टार को रिप्रेजेंट करता है, राइट? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टार एंड दैट इज द्वार, राइट? यानी स्मार्ट टी द्वार को कोड करेगा और कैपिटल टी टार को कोड करता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? करेक्टर सेम, जीन सेम, ट्रेट डिफरेंट, एलील डिफरेंट। क्लियर कॉन्सेप्ट? इतनी बात समझ। अब हम आगे चलते हैं क्रॉस के तरफ। हाँ बेटा, हाँ यस, हाँ हाँ हाँ, और क्या? तो करेक्टर एक है, आई के कलर को वो जो है कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, जिसमें दो डिफरेंट जीन है, एक कैपिटल एलिया एक स्मॉल एलिया। कैपिटल ए ब्लैक कलर को और स्मॉल ए ब्राउन कलर या ब्लू कलर को, जैसा आपका है, उसमें एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव। क्लियर? यस सर, यस। फिनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन। हां बेटा, डोमिनेंस और टी वा बड़ कट जाता है, छोटा टी रिसेसिव रहता है, इस वजह से। हां यस यस, बिल्कुल उसी पर चल रहा है और डिटेल चल रहा है, बताई नहीं, अभी इसको नहीं छोड़ने वाले हैं। और देख लीजिए, अब हम प्रोसेस को देख लेते हैं, क्रॉस देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना? तो हम मेटल के क्रॉस को देख लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि मेटल ने केवल क्रॉस कराई थी, है ना? यानी पी प्लांट्स के केवल क्रॉस को कराया था और एक्सपेरिमेंट को बताया था, ठीक है ना? कि हमने यह एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल का जो वर्क था उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुआ था और उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उन्होंने मैथमेटिकली बता दिया था, उन्होंने ला नहीं दिया था। हम आपको ये बताए थे, यह जानना चाहिए, यह 1865 में पब्लिश हुआ था। यस, 1865 में यह उनका वर्क पब्लिश हुआ था। बस मेंडल ने केवल इतनी सी बात कही थी, जैसे हमने अपने क्रास में देख लीजिएगा, देखना, जैसे हमने अपने क्रास में उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि भाई टार को इससे रिप्रेजेंट किया था, मेंडल का एक्चुअल वर्क है बेटा, इसको देख लेना, और द्वार को इससे रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना? ये द्वार का रिप्रेजेंटेशन कर दिया और इसके बीच में क्रॉस कराई, ध्यान देना, बिल्कुल क्रॉस कर, बिल्कुल मेंडल का क्रास ही आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो टार और द्वार के बीच में मेंडल ने क्रॉस कराया, राइट? टाल के लिए ये सिंबल ले लिया, द्वार के लिए ये सिंबल ले लिया, दोनों को क्रॉस कराया और उन्होंने कहा भाई कुछ कोई ऐसी चीज है जो ऐसे F1 जनरेशन में चली आती है, कुछ मिक्स नहीं होती, नॉट ब्लेंडिंग। यानी उन्होंने कहा कि फैक्टर्स आर नॉट ब्लेंडिंग, फैक्टर्स ब्लेंड नहीं होते। ब्लेंडिंग का मतलब क्या? मिक्स नहीं होते। तो जब मिक्स नहीं होते तो माने क्या, इनके बीच में इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे F1 जनरेशन में बेटा, F1 जनरेशन में इस तरह से हमको हाइब्रिड मिलता है। यह हाइब्रिड मिलता है और सभी कैसे होते हैं? टाल होते हैं, ये मेंडल ने बताया, ठीक है ना? अब देखिए, यानी मेंडल ने कहा कि कोई ऐसी चीज है इन दोनों में जो एलिटी चले, जैसे देखिए यहाँ से ये चला आया और यहाँ से ये चला आया, दोनों मिक्स नहीं हुए और फिनोटाइपिक करेक्ट, जो फिनोटाइप है वो टार हो गया,
टॉल वाला की क्या है बेटा? डोमिनेंट। हाँ ठीक है ना, ये टॉल हो गया। अब यहाँ ये डोमिनेंट फैक्टर हो गया या रिसेसिव फैक्टर हो गया, या डोमिनेंट ये इसको क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, राइट। और सुनिए, जब इस टॉल की सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग आपस में, सेल्फिंग माने बेटा सेल्फ पॉलिनेशन है ना, तो हमको क्या होते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, ये सेंटेंस
यही सेंटेंस ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के रूप में आ जाएगा क्वेश्चन, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि अब तो जनरेट जो गैमीट F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, इनहिबिट हो गया था, दब गया था, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना। और फिनोटाइप वहां पर केवल और केवल टाल आ गया, वही गैमिट जाकर के फिर F2 जनरेशन में, तो मेंडल ने कहा भाई तो बड़े आश्चर्य की बात है, F1 जनरेशन में वो विलुप्त हो गया, गायब हो गया, दिखा ही नहीं, और F2 जनरेशन में फिर, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज है जो छुपती नहीं, खत्म नहीं होती, ब्लेंड नहीं होती, मिक्स नहीं होती, उसका एंड नहीं होता, यानी कोई ना कोई दूसरी ऐसी चीज है जो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट कर। भाई जब F1 जनरेशन में टाल हुए, सभी प्लांट टाल हुए, तो फिर F2 जनरेशन में भी सबको टाल होना चाहिए था। लेकिन जो रिजल्ट कहता है, रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट ये कहता है कि जो टाल हुए, टाल टाल कितना हुआ, 1/4 हुआ, बोलो बोलो, वही ना, टाल कितना हुआ, 1/4 हुआ, माने कैपिटल टी, कैपिटल टी 1/4 हुआ, ऐसा कहते हैं, कैपिटल टी 1/4 हुआ, ये रेशियो में आपको बताए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी जिसका जो परसेंटेज कितना हुआ, 1/2 नहीं गलत, 2/4 1/2 इसका मतलब वही 2/4 हुआ, 2/4 हुआ, लेकिन यहां 1/2 नहीं कहेंगे भाई, क्योंकि हमारे जो ये जो हमारे चैंबर्स जो फोर थे ना, तो हमको आउट ऑफ फोर में कितना है ये बताना है, प्लीज ना बोलिए, और स्मार्ट टी कितना हुआ बेटा, 1/4, हां शाबाश, वेरी गुड, 1/4 हुआ। सुन लो, अब सुनो, इस पर क्वेश्चन आता है, यानी कैपिटल टी पूछता है क्वेश्चन में कि कैपिटल टी का परसेंटेज कितना है, बोलिए, 25%, हां शाबाश जी सर, यह हो गया बेटा 25%, ये सब नोट करने वाली चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रखा है, समझ लो, यहां से आप जो क्वेश्चन कर सकते हैं, यह कितना हुआ, 25%, यह कितना हुआ, 25%, यह परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर, ठीक है जी, सब लोग नोट कर रहे हैं। किसी का कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ ले, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ पूछिए, आप कह रहे हैं इसका और इसका क्या होगा, तो दोनों में जो लंबाई होगा वो उसमें कोई डिफरेंस रहेगा कि मतलब दोनों इक्वली मतलब टॉल रहेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, डिफरेंस है,
उसी डिफरेंस को हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बेटा? यह जो है होमोजाइगस है, हेटरोजाइगस, यह होमोजाइगस है और यह क्या है, हेटरोजाइगस है। यही डिफरेंस है दोनों में, यही डिफरेंस है। यह प्योर टाल है और यह प्योर टाल नहीं है, यह इम्प्योर टाल है, यही डिफरेंस है। इसको इसके चिपको ऐसे कि इम्प्योर टाल, देखो इम्प्योर टाल, यानी इस या फिर एक रेशियो देगा, इसके दो पैगमिट्स बनेंगे और इसका एक ही पैगमिट बनेगा। अभी देखिए और बताता हूं, बिल्कुल क्लियर करके सवाल बढ़ूंगा, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनटू मोनोहाइब्रिड क्रॉस इक्वल टू डाईहाइब्रिड क्रॉस हमको पढ़ाना है, तो जब तक मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं क्लियर हो जाएगा तब तक अभी तो उसमें और आप परेशान हो जाएंगे। देख लीजिए इसको, इसको देख लीजिए कैसे, देखो जैसे मेरे समझाने का केवल इतना मतलब है, देखिए देखना बेटा ध्यान से, जैसे कैपिटल डी, कैपिटल डी इसका क्रॉस जब हम स्मॉल डी से कराते हैं, एक बार फिर से वो चीज नहीं दूसरी चीज बता दी जाए, उससे स्टैंडर्ड की चीज है, टॉपिक वही जी। तो इसका एक डायमीटर बना कैपिटल डी, यस सर, इसका एक डायमीटर बना स्मॉल डी, राइट, यस, यानी डायमीटर कितने बने, एक एक डायमीटर बने, यानी दो डायमीटर है ना बेटा। तो इन दोनों डायमीटर्स का आपस में गुणनफल हुआ तो एक जायगोटिक कॉम्बिनेशन देता है, जिसे कैरेक्टर कहते हैं। इसमें 50% जो कैरेक्टर है वो टाल का है और 50% कैरेक्टर द्वार का, दोनों के इक्वली कैरेक्टर है भाई, इक्वल है दोनों, लेकिन यह अपना एक्सप्रेशन बताने जाता है कि अपना एक्सप्रेशन नहीं बता पाता, राइट, समझ में आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ हम आपको एक फार्मूला बताने वाले हैं, फार्मूला बताने वाले हैं, देखो हेटरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस इक्वल टू एन, राइट, एन। अब देखो यानी नंबर ऑफ हेटरोजाइगस यहाँ एन है बेटा, तो टू दी पावर एन यानी हेटरोजाइगस, और हेटरोजाइगस कितने हैं, एक है, कितने हैं, एक है, तो 2^1 = 2 यानी हमारे वैल्यूज यहाँ कितने बनेंगे, दो बनेंगे। इस फार्मूले से आप नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल सकते हैं, नंबर्स ऑफ वैल्यूज, इसको आप कहीं बॉक्स बना करके नोट करिए, अभी इसका यूज आएगा, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कितने हेटरोजाइगस बन रहे हैं, उस हेटरोजाइगस के नंबर के बेस पर हम गैमेट्स बना सकते हैं। अरे ये बात समझ में आ गई, तो बेटा अच्छा आप देखो ये कह रहा है कितने गैमेट्स बनेंगे, दो गैमेट्स बनेंगे ये बता दिया, यानी इसके लिए हमको ये कांसेप्ट मिल गया। मान लिया यहां तो आपको याद है, यहाँ आपको याद है कि गैमेट्स कैसे बनते हैं, दो बनते हैं, एक क्रॉस तो याद है, लेकिन अगर हम दूसरा क्रॉस दे देंगे तो इसके लिए आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, करेक्ट, यानी हेटरोजाइगस एन कहते हैं, हेटरोजाइगस नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे बनेगा, 2^n इक्वल टू 2^1 और माने अब देखो कैसे, देखो गैमेट्स कह रहा है कि दो बनते हैं, कहाँ दो बनते हैं जरा दिखा दीजिए हमको, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, ये देखो बेटा ये देखो ऐसे इस तरह से, ये समझ लो भाई, समझ लो जेनेटिक्स है, कैपिटल टी एक डायमीटर बन गया, स्मॉल टी दूसरा डायमीटर बन गया, यानी ये क्या हो गए, गैमेट्स हो गए, या हो गए गैमेट्स, यानी नंबर ऑफ गैमेट्स, ध्यान से समझा बेटा, मैं इसको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाना तब थोड़ा वो डिफिकल्ट हो जाएगा, अभी इसको यहाँ समझ लो, यानी गैमेट्स हमारे दो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन्हीं दोनों गैमेट्स के हेल्प से हम F2 जनरेशन में जायगोट प्राप्त करते हैं, यानी गैमेटिक जो जीनोटाइप वो प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक को
एक को जो है मेल कर दिया और दूसरे को क्या कर दिया, ईमेल कर दिया। इस तरीके से हमको जो हमने उसे समझाया था, आपको यही समझाया था कि और कितने कितने परेट स्क्वायर बनेंगे भाई, हाउ मेनी, फोर, ठीक है ना, इस तरह से बेटा ये मैंने आपको बताया था, याद करिए। अच्छा यह भी एक क्वेश्चन है, पनेट स्क्वायर किसने दिया था, ब्रिटिश के एक साइंटिस्ट थे आर जे पनेट, उन्होंने दिया था, यह भी एक क्वेश्चन है, मेंडल ने नहीं दिया, पनेट स्क्वायर, हाँ पनेट स्क्वायर दिया था, पी यू डबल एन पी टी, पी यू डबल एन पी टी, इसको पनेट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अब देखो कैपिटल टी का क्लास कैपिटल टी से करवाएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी का क्लास स्मॉल टी से करवाते हैं, यदि पनेट स्क्वायर तो उसके लिए लेते हैं ना जब दो गुण देते हैं, दो करेक्टर लेते हैं, अरे हम इसके लिए भी तो लिख रहे हैं, बना रहे हैं, बना सकते हैं लेकिन मेनली उसके लिए मानते जो नौ तीन तीन नहीं है, चलो भाई किसी के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी कर लिया। यहाँ देखिए बच्चों को समझाने के लिए स्क्वायर का यूज किया जाता है, इस यहाँ स्मार्ट टी यहाँ कैपिटल टी, बेटा कैपिटल टी स्मार्ट टी ले लेते हैं, यहाँ स्मार्ट टी का क्रॉस कराएंगे तो स्मार्ट टी चल जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको कैपिटल टी माने यह प्योर टांग है, क्या है प्योर टांग है, यह क्या है हाइब्रिड टांग है, हाइब्रिड टांग है, यस इम्प्योर कर सकते हैं, यस इसको हाइब्रिड टांग कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं प्योर द्वार, क्या कहते हैं प्योर द्वार, प्योर द्वार। इस तरीके से हमको रेशियो मिल गया, यानी प्योर टांग का एक बोलो भाई, यानी वन प्योर टांग क्या मिला, यो वन प्योर टांग और दो क्या मिले बेटा, हाइब्रिड टांग, बोलो यह रिजल्ट है, एफ टू जनरेशन का रिजल्ट है, आई थिंक द रिजल्ट ऑफ एफ टू जनरेशन रिजल्ट आप एफ टू जनरेशन, एफ टू जनरेशन की रिजल्ट है, यानी दो क्या मिले हाइब्रिड टांग मिले बोलो टांग और एक क्या मिला प्योर, ये मिला, ये इसके रिजल्ट है, ठीक है ना। और कितने कितने, यह 25%, ठीक, यह भी 25, यह भी 25, दोनों मिलकर मिला 50% हो जाते हैं, और यह भी 25%, इस तरीके से मिल जाते हैं, ये इसका परसेंटेज एग्जाम में पूछता है, आप इससे क्लियर हो गए हैं, कर लेते हैं इसको, यस। रंग पे काले या गोरे रंग पे उसमें भी जीन डिपेंड करता है कि मौसम भी क्लाइमेट चेंज नहीं मौसम यदि बेस्ट वाले तो जो बेटा अगर जीन से ऐसा चेंज आता है तो परमानेंट होगा, इन्वायरमेंट से अगर ऐसा चेंज आएगा तो टेम्पोरेरी होता है, एक ही लाइन इसके लिए सफिशियंट है, यानी उस इन्वायरमेंट से उस व्यक्ति को हटा करके फिर अगर अच्छे इन्वायरमेंट में कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, और जीन से अगर रहेगा तो हमेशा ही इसको, इसका मतलब अगर हम लोग चले जाएंगे तो बोले हो जाएंगे, मतलब हो सकते हैं नहीं सर, लेकिन फर्क पड़ता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड, हम आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, बाइक क्रॉस, ठीक है ना, ये सारे क्रॉसेस बताएंगे हम, क्लियर। डाई हाइब्रिड क्रॉस देखना,
मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या कांसेप्ट है? द क्रॉस, देखिए पहले हम आपको डेफिनेशन भी बता देते हैं, इसका जो कांसेप्ट है बता देते हैं बेटा, देख लेना कांसेप्ट इसका क्या है। कांसेप्ट इसका कहता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, तो द क्रॉस बिटवीन, द क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो हम लोगों ने अभी देखा टीटी वाला। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट आता है इसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन द वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का जो क्रॉस होता है बेटा ना, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो, सब बच्चों के समझ में बात आ रही है, स्पीड में तो नहीं हो रहा है, बोलो स्पीड में तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है ना? जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स है, इसके टर्म्स जो है वो डिफिकल्ट है, नहीं आ रहा है। ठीक, तो क्रॉस बिटवीन वन पेयर, बोलो वन पेयर, क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी क्या मतलब निकला इसका, व्हाट डू यू मीन लंबा बाय दिस, कॉन्ट्रास्ट करने वाले कैरेक्टर, लड़की लड़का, कॉन्ट्रास्ट करने वाले कैरेक्टर्स को लिया, ओके, यानी वी हैव टू टेकन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर सीट, सीट देख लीजिए, अगर सीट एक सीट राउंड है, राउंडेड, राउंडेड सीट लिया बेटा, दूसरे का क्रॉस किससे, रिंकल, रिंकेड, और इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, इसके लिए हमने सिंबल एक ले लिया, सिंबल ले लिया, कैपिटल आर, कैपिटल आर, छोटा आर, छोटा आर, यस, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, हम ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। समझ में आ गया? यस सर, यस, क्लियर। यानी कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है, इन दोनों के इसके कितने गैजेट्स बनेंगे, होमोजाइगस के हमेशा एक गैजेट बनते बेटा, इसको याद रखना, होमोजाइगस के हमेशा एक गैजेट बनते हैं और हेटेरोजाइगस के दो गैजेट बनते हैं, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। तो होमोजाइगस का गैजेट एक बनेगा, एक इसका गैजेट कैपिटल आर बनेगा, इसका सब लोग इसको करिए, सब लोग खुद से करिए, ये जब इसको नहीं बताते आप निकालिए रिजल्ट, चलो इसका रिजल्ट निकालिए, इसका मोनोहाइब्रिड का बहुत इजी है, तुरंत निकाल लो, ये कौन जैसे ऐसा लगे कि जल्दी से निकाल लो, अगर दो तुरंत कट निकाल, निकाल दिया, हाउ मेनी यू विल गेट, एक गैमेट तो देखा हम, लाइए जरा दिखाइए, हाँ नहीं ये तो गैमेट हो गया ना, अब इसके आगे तो चलो ना, फाइनली हमको ये बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या होगा, यपन जनरेशन में कभी शुद्ध नहीं बनता, शुद्ध नहीं बनता, लेकिन उनका डोमिन जो उसमें कैपिटल आर रहे, तो इसकी वजह से वो गोल रुकेगा, लेकिन एकदम नहीं रहेगा, वो यपन जनरेशन में अपना फर्क दिखा देगा। ओके, ठीक है, देखिए गाइस को कैपिटल आर और स्मॉल आर देखिएगा बेटा, ठीक है ना, तो जब हम इससे फिर इस जो दोनों गैजेट्स हैं ये जब आपस में यूज करते हैं, तो यपन जनरेशन में देख लीजिएगा भाई, यपन जनरेशन में हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलता है, और यह प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, देखो आलोक, चलो आलोक, प्योर नहीं बेटा, ये प्योर नहीं है, लेकिन कैपिटल आर
क्या कराएंगे, सेल्फी का सर क्रॉस कैसे मिलता है क्वेश्चन में हमारा बाय द सेल्फिंग, ऐसा कहिए ना, बाय द सेल्फिंग यानी सेल्फिंग से मिलता है जब हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दो पेयर क्रॉस ऑफ टू पेयर ऑफ फैंटास्टिक कैरेक्टर पर लेंगे। तो हम दो पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेने के लिए क्या करेंगे? तो आर आर ले लेंगे, टीटी ले लेंगे। दो पेयर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लेने के लिए क्या कर सकते हैं? आर आर ले लेंगे। हम आपको सबसे इजी मेथड बताते हैं जी, देख लीजिए। यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम डीसी कहते हैं बेटा। डाई हाइब्रिड क्रॉस इज इक्वल टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस मल्टीप्लाई बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक फार्मूला भाई जेनेटिक्स मैथमेटिक्स है ना। बाकी देखिए सीधे अभी तक जो हम इंटरमीडिएट में पढ़ते चले आ रहे थे उसको दूसरे मेथड से पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमको कॉम्पिटिटिव तरीके से पढ़ना है तो दूसरे मेथड से पढ़ेंगे। कहिए तो हम आपको इंटरमीडिएट वाला मेथड पहले बता दें तब इसको बताएं, या इसको डायरेक्ट बताएं, जैसा कहेंगे बोलो। नहीं आप जैसा कहिए हम दोनों बताएंगे, बताएंगे तो दोनों, क्योंकि आपको उस नॉलेज से निकाल करके उस नॉलेज तक पहुँचाना है। आप जो कही हो बताइए, ट्वेल्थ वाला पहले बता दें, चूंकि आप उससे परिचित हैं उससे आप परिचित हो हम पहले बता दें। तो देखो बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस कहता है, डाई हाइब्रिड है ना क्रॉस स्टेट्स दैट, स्टेट्स दैट द क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बैठे रहते हो नोट नहीं करते हो, टू पेयर ऑफ दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट करेक्टर को हमने लेकर के प्रोसेस में करा दिया। ऐसे क्लास को हम क्या कहते हैं, देख लेते हैं कैसे भाई। दो करेक्टर जैसे मान लिया कि वो प्लांट टाल भी है, क्या है टाल है बेटा, तो टाल है और क्या है उसके जो सीड्स हम कैसे हैं राउंड राउंड,
राउंडेड। तो टाल होना और राउंडेड होना ये दो करेक्टर हो गया। इसी के जस्ट कंट्रास्ट लेंगे भाई, कभी तो होगा ना, कंट्रास्ट भी लेंगे, कंट्रास्ट लेंगे। तो कंट्रास्ट कैसे लेंगे, यानी टाल का कंट्रास्ट द्वार, बोलो बोलो बोलो, बोलने से जो होता है कि नाम में लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आगे बढ़ना चाहिए। राउंड का बेटा विंकल और राउंड का क्लियर। यानी हमने अब दो पेयर टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लिया, ठीक है ना। यानी अब हम डाई हाइब्रिड को एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों जो करेक्टर्स हैं हमारे, इनको लेकर के हम क्रॉस करवाएंगे, तो हमें डाई हाइब्रिड क्लास की वैल्यू उसका रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर। तो क्या लिया था, टाल टाल को कैपिटल टी कैपिटल टी लिया, राउंड को कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है ना, द्वार को स्मॉल टी स्मॉल टी लिया, और इसको कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए, एक एक स्टेप हम पूछेंगे इसके बाद तभी आगे चलेंगे, क्योंकि हम बहुत स्पीड से चले, अब इसी में आपका टेस्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे हमको ये बताइए, अब क्या करेंगे, हाँ क्रॉस करेंगे, चलिए करा दें। नेक्स्ट देखो बेटा, ले लिया अब क्या कराते हैं, क्रॉस कराते, क्रॉस कराते, क्या कराते हैं, चलो चलो नहीं, नहीं, नहीं। आप चलिए आगे बढ़िए, पेन चलाइए, नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो बताएं, थोड़ा सा देखना चाहते हैं सफर से। अगर ये कर ले गए तो समझ लो कि हाँ बस जेनेटिक्स से तुम आगे हो। क्या आया इसके बाद हमें पता है, आलोक जी बताइए, हाँ बेटा हाँ लाल ओके, बहुत अच्छी शाबाश। प्रयास किया ये बताओ उनको, जब यहाँ तक यहाँ ले आए ये कहाँ से ले आए, ये कहाँ से ले आए, ये आप समझा दीजिए, हाँ पकड़ लिया अपनी गलती, आप खुद पकड़ लिए तब तब समझ लो तुम पास हो, जो अपनी गलती खुद पकड़ ले, वेरी गुड, ये सब यही सबसे बड़ा गोल। Thank you.
सर आ गए हैं, हम फिर से करा देंगे, कोई बात नहीं। हम आपको पूरा रेशियो निकाल करके 9:3:1 और वो जो उसका जीरोटिफिक रेशियो वो भी जीरोटिफिक सब दोनों बता देंगे, ठीक है। लेकिन कितना आप पकड़े रहेंगे, इसको पकड़े रहेंगे, इतने स्टेप्स में आप क्लियर हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, घर जाकर एक बार मन करेगा NCERT एक बार रीड कर लेना, देखना, ट्राई कर लेना, ओके। थैंक यू सर।